नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रजत रंजन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एट मिडलैंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट ऑल अबाउट टेंडनोपैथी। जैसे जानते हैं टेंडनोपैथी इज अ वेरी निगलेक्टेड सब्जेक्ट एंड अ निगलेक्टेड सिम्टम एंड निगलेक्टेड कंप्लेंट एज फार एज ऑर्थोपेडिक्स इज कंसर्न। सो टेंडनोपैथी समझने से सब टेंडनोपैथी के बारे में टेंडनोपैथी होती क्या है, कॉजेस क्या होते हैं उसके, एंड ट्रीटमेंट क्या होता है। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर अंडर दीज थ्री हेडिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंडनोपैथी डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि टेंडन क्या होता है। सो टेंडन एक वो स्ट्रक्चर होता है जो मसल्स को बोन में अटैच करता है। जैसे ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ टेंडन। सो दिस इज अटैचिंग द मसल टू द बोन। सो कुछ भी अगर प्रॉब्लम इस टेंडन में होगी, सो दैट कैन लीड टू टेंडनाइटिस। सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट टेंडनाइटिस। सो व्हाट इज टेंडनाइटिस? टेंडनाइटिस इज जनरली कॉमन पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स। इनफैक्ट इट इज कॉमन इन एटलीस्ट 30% ऑफ ऑल दी रनिंग, जो रनिंग एक्सेसिव रनिंग करते हैं उसमें टेंडनोपैथी अराउंड 30% पेशेंट्स में कॉमन है। सो व्हाट इज टेंडनाइटिस? टेंडन प्लस आइटिस। सो टेंडन इज द स्ट्रक्चर व्हिच आई टोल्ड यू, इट अटैचेस द मसल टू द बोन, एंड आइटिस इज इन्फ्लेमेशन। अगर टेंडन में सूजन हो जाएगी, रिपेटिव स्ट्रेस से सूजन हो जाएगी, सो दैट कैन लीड टू टेंडनाइटिस। सो टेंडनाइटिस आपको मैं बताऊंगा, पहले उसकी एनाटॉमी समझ लेते हैं, अंदर टेंडन होता क्या है। सो टेंडन इज बेसिकली मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। सो जैसे आप नायलॉन रोप देखी होगी, नायलॉन रोप में जैसे जो धागे होते हैं वो अंदर ऐसे ऐसे पिरोए होते हैं। सो इसी तरह कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में इंटरट्वाइंड होते हैं टू फॉर्म द मेन सब्सटेंस ऑफ द टेंडन। एंड जो टेंडन होता है उसके ऊपर एक झल्ली होती है, जिसको कवरिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेंडन शीथ। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेंडन। सो टेंडन हैज अ टेंडन शीथ एंड अ टेंडन सब्सटेंस मेड ऑफ कोलेजन फाइबर्स which basically attaches the muscle to the underlying bone. So, कहाँ कहाँ tendons आप देखेंगे, muscles कहीं हर जगह पूरी body में होती है। So, generally lower limbs में कहाँ कहाँ tendinopathy हो सकती है, it is common in, first most common in Achilles tendon. So, Achilles tendon is the tendon जो पीछे आपके पैर के पीछे के होता है, जो आपको heel पे attach होता है, basically heel पे जो attach करता है tendon, that is called Achilles tendon. So, यहाँ पे most common low complaints होती है, स्पेशली इन रनर्स जंपिंग में, जो स्पेशली फुटबॉल खेलते हैं या फिर बास्केटबॉल खेलते हैं, तो सडन पुश ऑफ होता है, तो वहाँ पे सडन इट इज़ वेरी कॉमन। एंड स्पेशली जो लॉन्ग चलते हैं या उनमें भी टेंडनोपैथी जो है मोस्ट कॉमन इज एक्लीस टेंडनाइटिस। सो एक्लीस टेंडन इज इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेंडनाइटिस। देन सेकेंड यू कैन हैव टेंडनाइटिस इन द नी, सो दैट इज कॉल्ड एज पटेलर टेंडनाइटिस। सो अगर जो नी में है, जो आपका जो कटोरी होती है आगे सामने की, वो जो उससे टेंडन निकलता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन, वो अटैच होता है नीचे आपके पैर वाली हड्डी पे, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। तो जैसे जो सीढ़ी चढ़ते हैं या बहुत देर तक जो बैठने का काम है, ऑफिस वर्कर्स हैं, उनमें बहुत बहुत कॉमन है, विच इज कॉल्ड एज पटेलर टेंडनाइटिस। तो ये लोअर लिम्ब की बात हो गई। नाउ अपर लिम्ब में, मतलब ऊपर के हिस्से में, तो ऊपर के हिस्से में यू हैव द रिस्ट। तो रिस्ट में क्या, इट इज अनदर टेंडनोपैथी विच इज वेरी कॉमन इज डी क्वर्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस। सो जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हाथों से यूज़ होता है, या हाथों का बहुत ज़्यादा, सिर्फ म्यूजिशियंस हो गए, उनमें डी क्वर्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस इज वेरी कॉमन। सो इट इज दी टीनो टेंडनाइटिस ऑफ दी टेंडन्स अराउंड दी रिस्ट। देन यू कैन हैव ट्रिगर फिंगर्स, जो ये मूवमेंट करते हैं, जो म्यूजिशियंस हो गए या जो लेबरर्स हो गए, वर्कर्स ज़्यादा, कंप्यूटर वर्कर्स, उनमें भी दूसरा अगर इसे रिस्ट में जैसे बताया है, सेम अगर हैंड में है, सो यू हैव अ ट्रिगर फिंगर। देन आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर को हुई थी एक टेनिस एल्बो करके बीमारी, सो टेनिस एल्बो इज ऑल्सो अ टेंडनोपैथी। सो बेसिकली अगर एल्बो में टेंडन होता है, जो वो टेंडन जो मसल में अटैच हो रहा है नीचे आपके बोन में, अगर वहाँ मीट, अगर लैटरल साइड में आपको, लैटरल साइड मतलब एल्बो के बाहर के साइड में अगर आपको दिक्कत हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ टेनिस एल्बो। सो ये तेंदुलकर को यही प्रॉब्लम थी। सो रिपेटिव स्ट्रेस, जो जैसे कपड़े निचोड़ने में दिक्कत होती है पेशेंट्स को, और बाल्टी उठाने में दिक्कत होती है, दैट इज मोस्टली इट इज़ वेरी कॉमन जैसे टेनिस एल्बो में ये सब दिक्कतें होती हैं। देन सेम साइड अगर हमने, ऐसे मैंने बताया टेनिस एल्बो बाहर के साइड होता है, अगर अंदर के साइड है तो इट इज कॉल्ड एज गोल्फर्स एल्बो। देन यू कैन हैव टेंडनोपैथीज ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो रोटेटर कफ, बेसिकली जो मूवमेंट हमारा शोल्डर कराते हैं, वहाँ पे भी मसल्स और टेंडन्स जो है, जहाँ पे अगर आपके वहाँ पे बोन पे अटैच हो रही है, वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। So these are the common sites where the tendinopathies can occur. Then you have what are the causes of, what are the, kyun hota hai, hame ye samajhna padega kyun hota hai. So first
मोस्ट कॉमन रीजन फॉर टेंडनाइटिस इज रेपिटेटिव स्ट्रेस, बार बार उस पर जंप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उस हाथ का यूज कर रहे हैं, हाथों में है, बाल्टी उठा रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, अगर हम जैसे जिम जाते हैं वहाँ पे इम्प्रॉपर इक्विपमेंट है, इम्प्रॉपर शूज हैं आपके रनिंग के करते समय, और इम्प्रॉपर टेक्निक्स हैं, सो दीज ऑल थिंग्स कैन लीड टू टेंडनोपैथीज। सो बेसिकली टेंडन अगर जब इंजरी होती है तो टेंडन डजंट गेट टाइम टू हील, सो विच इवेंचुअली लीड्स टू टेंडनाइटिस। देन अनदर रीजन, ऐसे मैंने रिपीटेटिव स्ट्रेस, दूसरा रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मोटे लोग होते हैं या जो हाउसवाइफ लेडीज हैं वो बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाती हैं, घर में सीमित रहते हैं, हम लोग लॉकडाउन में घर में सीमित हैं, सो वी आर ऑल हैविंग हम लोग की फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की जो है कम हो गई है धीरे धीरे, सो दिस कैन लीड टू इवेंचुअली वेट गेन, इवेंचुअली लीडिंग टू रिपीटेटिव स्ट्रेस इन टर्न विच लीड्स टू टेंडनोपैथी। देन थोड़ा सा देखा गया है कि एज रिलेटेड भी होता है, जैसे 40-45 ईयर्स की फीमेल्स हैं या मेल्स हैं उनमें बेसिकली जो होता है जो कोलेजन जो मैंने बताया था नायलॉन रोप जो होता है उसका डीजनरेशन हो जाता है, डीजनरेशन मतलब वो खत्म होने लगता है कोलेजन फाइबर, सो इन दिस जब फाइबर कम हो जाएगा तो अपने आप जो टेंडन की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, सो दैट कैन लीड टू टेंडनाइटिस। देन सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर सिम्टम्स विच द पेशेंट कैन प्रेजेंट इन टेंडनाइटिस, सो पेशेंट की कंप्लेंट्स होती है मोस्ट एंड कॉमन इज पेन, सो पेन इज मोस्टली आफ्टर रेस्ट, अगर आप जब जैसे पेशेंट विल कंप्लेन करेगा कि मैं जब बैठता हूँ या बहुत देर जैसे रात में सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो मेरे पैरों में या हील्स में पैर फुट में शोल्डर में पेन रहता है, सो दैट इज वेरी क्लासिकल कंप्लेंट ऑफ अ टेंडनोपैथी, सो दैट इट इवेंचुअली जो होता है पेन धीरे धीरे जब एक्टिविटीज करता है तो कम हो जाता है, एंड इट कैन प्रेजेंट इट हैज अ वेरी इंसिड्यूअस ऑनसेट एंड अ लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब पेशेंट जो है शुरुआत में धीरे 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 पेन बढ़ता रहेगा, हो सकता है 5-6 महीने बाद जाके पेन एग्रेवेट हो, सो हिस्ट्री जो होती है इट इज नॉट वेरी सडन ऑनसेट, जैसे अगर फ्रैक्चर हो गया तो तुरंत आपको पेन और स्वेलिंग आ जाती है, बट टेंडनोपैथी में क्या इट इज वेरी ग्रेजुअल ऑनसेट एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, तो धीरे 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 ओवर मंथ्स ओवर वीक्स वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स इवन ईयर्स तक आपको धीरे धीरे पेन एक साइड पर अगर बढ़ रहा है, सो इट इज अ क्लासिकल कंप्लेंट ऑफ अ टेंडनोपैथी। देन यू कैन हैव सम स्वेलिंग, जैसे मैंने बताया था एक्लीस टेंडन में अगर स्वेलिंग है आपकी, जहां पे जो ये पीछे का जो टेंडन है जहां पे आपकी हील पे अटैच हो रहा है, अगर वहां पे सूजन आ गई तो सूजन आ सकती है, दैट इज अ क्लासिकली टेंडनाइटिस, सो स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट कर सकता है। देन जब अगर पेन होगा स्वेलिंग होगा तो ग्रेजुअली क्या होता है पेशेंट मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, सो इट कैन प्रेजेंट विद लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स। देन क्लासिकल कंप्लेंट बोलते हैं कि जैसे ही पेशेंट जो है अपना जॉइंट मूव करता है तो इट हैज अ पेन, सो इवेंचुअली जब टेंडनाइटिस बहुत सिवियर हो जाती है कुछ भी मूवमेंट करने में पेन होता है, सो दैट दिस इज द क्लासिकल कंप्लेंट विच यू गेट इन टेंडनाइटिस। सो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन विच वी नीड, सो यू नीड टू कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो डायग्नोस करे, प्रॉपर डायग्नोसिस करे आपको क्यों खो रहा है, क्या कारण है जिससे, क्यों क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट, क्योंकि ये देखा गया टेंडनाइटिस का ट्रीटमेंट जो भी आप सजेस्ट करता है इवन दो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी सालों लग जाते हैं, इसलिए आपको ये है कि आप एक किसी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए। हम लोग की दिक्कत ये होती है कि टेंडनाइटिस का ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत सही हुआ फिर हम बंद कर देते हैं, सो टेंडनाइटिस का ट्रीटमेंट इज प्रोलॉन्ग एंड यू हैव टू कीप द ऑर्थोपेडिक सर्जन इन द लूप। सो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, सो इट इज मोस्ट कॉमन वी गिव पेन किलर्स दे सकते हैं तो थोड़ा बहुत सूजन कम कर दे, दर्द कम कर दे, फिर हम कई बार इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं जहां पे भी सूजन होती है, सो ये भी है आप किसी से भी इंजेक्शन ही लगवा सकते हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसने पढ़ा लिखा है वही लगा पाएगा जहां पे सूजन है, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर इंजेक्शन अगर लगा दिए या बार बार ज्यादा इंजेक्शन लग गए तो इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी हो सकता है कि टेंडन आपको जल्दी रप्चर कर जाए, सो टेंडन रप्चर जैसे टेंडनाइटिस है, टेंडनाइटिस कैन इवेंचुअली लीड टू टेंडन रप्चर, अगर सूजन बहुत ज्यादा है और आपने सडन फोर्स लगा दिया, सडन स्ट्रेस आ गया तो टेंडन कई बार उखड़ सकता है, मतलब रक्चर हो जाएगा, तब तो आपको बिल्कुल ही सर्जरी करनी पड़ेगी, सो आपको प्रिवेंट करना है टेंडन रक्चर, सो टेंडनाइटिस इज जस्ट एन इनिशियल स्टेज फॉर रक्चर, सो आपको रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर फुटवेयर, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज, ठीक है, ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए। देन मैंने बताया कि आपको प्रॉपर जैसे एनएसिड्स जो पेन किलर्स और स्टेरॉइड इंजेक्शंस, देन फिजियोथेरेपी हैज अ वेरी ग्रेट रोल, सो यू हैव टू कीप योर जॉइंट सपल, यू हैव टू गो ऑन एक्सरसाइजिंग योर जॉइंट्स सो दैट आपके जो मूवमेंट्स लिमिट नहीं होंगे और आपका जो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होगा,
आपको मूवमेंट तो आपका अपना रिस्ट्रिक्ट करना है ना। देन जो हम लोग बोलते हैं जैसे कोलाजन डीनेशन, एज मैंने बताया था, एज अगर बढ़ती है तो जो कोलाजन है, जो कोलाजन है वो डीनेशन हो जाता है। तो आपको यू कैन इवन गिव सम कोलाजन सप्लीमेंट्स। देन इन द लास्ट रिजॉर्ट, इफ द पेन, अगर आपका पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतने इतने सम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज बता रहे हैं, अगर उससे भी अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं सही हो रहा, उससे भी अगर आपका पेन अगर नहीं जा रहा, देन वी नीड टू कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हु कैन एडवाइज यू फॉर सर्जरी। सो टेंडनाइटिस इज अ वेरी निग्लेक्टेड सिम्टम प्रेजेंट इन इंडिया। आपको देखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा, ताकि आपका इलाज बढ़िया से बढ़िया और अच्छे तरीके से हो पाए। थैंक यू।